हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रेसिपी वीडियो है जिसमें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी साबूदाना की रेसिपी। हमेशा मेरी रेसिपी वीडियो के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी कढ़ाई में आप बना रहे हो, तो इस कढ़ाई के बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी। तो जो आज की कढ़ाई है वो है मायर सिरेमिक कढ़ाई जो 26 सेंटीमीटर की है। इट इज़ द मोस्ट हेल्दी कुकवेयर। इसके अंदर नॉन स्टिक कोटिंग बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट। इट इज़ 100% सेफ। नो लेड, नो कैडियम, नो निकल, नो नॉन स्टिक कोटिंग एंड PFOA, PTFE भी बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ नेचुरल मिनरल्स जैसे कि सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन एंड इट गिव्स फास्टर हीटिंग एंड कुकिंग, जिसकी वजह से गैस एज वेल एज टाइम दोनों ही सेव होता है। हाई टेम्परेचर पे ये कोई भी टॉक्सिक फ्यूम्स एमिट नहीं करता है और इसका जो लिड है वो बना है शैटर रेजिस्टेंट ग्लास से, जो प्रमोट करता है हेल्दी कुकिंग को। इसके अंदर कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ इसके हैंडल पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन ग्रिप, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। इसे आप अपने गैस स्टोव पे साथ ही साथ इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हैं और ओवन एंड डिशवॉशर सेफ है ये। सो चलिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको रेसिपी। तो सबसे पहले साबूदाना को ओवरनाइट सोक करके रखना है। आप चाहे तो 4 to 6 hours भी सोक करके रख सकते हैं, बट आई प्रेफर ओवरनाइट। एंड रेशियो है 1:1, दैट मीन्स अगर 1 cup साबूदाना है तो 1 cup पानी के अंदर उसे सोक कर रहे हैं। एंड सोक करने से पहले हमेशा उसे अच्छे से वॉश कर ले, पानी जब तक क्लियर ना दिखे आपको ऊपर तब तक उसे वॉश कर ले और उसके बाद में उसे सोक करें। साइड में मैंने ले ली है ग्राउंडनट और उसे मैंने रोस्ट कर दिया है और उसके बाद में उसे क्रश कर दिया है। उसे कंप्लीट क्रश नहीं किया है, कुछ बड़े पीसेस भी रखे हैं। एंड इस तरह से फिर दोनों को मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल और उसे गर्म होने देना है। जैसे ही वो गर्म हो जाए इसके अंदर हम ऐड करेंगे जीरा, देन कड़ी पत्ता, उसके बाद में हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना स्पाइसी चाहिए आपको उतना आप ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर तक इसे फ्राई होने देना है, उसके बाद में इसके अंदर ऐड करने हैं पटेटोस। मैंने यहाँ पर पटेटोस को कट करके डायरेक्टली लिया है, आप चाहे तो उसे बॉयल करके भी ले सकते हैं। सो पटेटोज़ को ऐड करने के बाद में उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर उसे ढककर थोड़ी देर तक कुक होने देना है। अगर आप बॉयल पटेटोज़ यूज़ करेंगे तो रेसिपी जल्दी बन जाएगी। एंड आप देख सकते हैं कि पटेटोज़ कुक हो गए हैं। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबूदाना जो हमने ऑलरेडी ग्राउंडनट के साथ मिक्स करके रखे हुए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट। अच्छे से मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। सो इसे मिक्स करने के बाद में बारी आती है अब नींबू की। सो नींबू भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं और नींबू को डालने के बाद में इसे वापस मिक्स कर लेना है। एंड आपके साबूदाना हो गए हैं तैयार। अभी इसे आपको गार्निश करना है कोरिएंडर से एंड इट्स रेडी टू सर्व। सो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड इस कढ़ाई की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक दे दी है, आप ख़रीद सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा 15% डिस्काउंट। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दी है, आप देख सकते हैं। एंड यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।